नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज मैं मौजूद हूं बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के चांद गांव में। यहां पे कुछ विवादित मामले सामने आए हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, क्यों ऐसा मामला आ रहा है, जबकि आपस में भाईचारा के साथ मिलकर एक जगह रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, यहाँ मामला क्या है कि सर मैं पेशे से शिक्षक हूँ और कुछ दिन पहले मेरे सामने जो है जमीन का विवाद था, और जब भी माफी ओके हुआ तो उसमें हमारा जमीन उनसे कटा हुआ उनके अंदर तक जाता है। क्या नाम है जो आपके सामने वाले हैं पटदार? राजेश चौहान। राजेश चौहान जी, क्या बोल रहे थे कि मतलब मैटर क्या है? मैटर था कि ये बोले कि अपना माफ़ी आप करा लीजिए, अगर मेरे अंदर आपका जमीन आता है तो मैं दरवाजा नहीं खोलूँगा जी, और आपका जमीन निकलेगा तो मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगा जी। तो माफ़ी हुआ, इनको सूचना पूर्व में दिया गया रात में, और सुबह में माफ़ी हुई तो ये अपने माध्यम से एकाक लोग। क्या माफ़ी आप लोग अपने से किए कि सरकारी अमीन आके नापा? प्राइवेट अमीन से पाया। प्राइवेट अमीन नापा गया अमीन के द्वारा, तो उसमें क्या निर्णय किया? यही हुआ कि मेरा जो है उत्तरी छोर पे 6 फीट और दक्षिण छोर पे 4 फीट आया, तो हुआ कि भाई अब ये तोड़ा नहीं जा सकता है, आप जो दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। लेकिन लेंटर तक काम पहुंच गया, ये दरवाज़ा अभी तक बंद नहीं किए, तो हमने स्कूल से आया और पूछा कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, आपको लेंटर बढ़ाने जा रहा है जी। तो ये बोले कि ऐसा है कि अभी हम उस माफ़ी से जो है संतुष्ट नहीं हैं, हम सरकारी माफ़ी कराएंगे। तो हम कहे कि सरकारी माफ़ी कराएंगे ठीक है, अपना तब तक काम बंद कर दीजिए, और उसके लिए जब भी आप समय देंगे माफ़ी के बाद जो डिसीजन आएगा कीजिएगा। तो वो कहे कि नहीं, तो हमारा काम नहीं रुकेगा, आप अगर काम रुकवाते हैं तो आपके साथ कुछ भी हम कर सकते हैं, हाथ पर कटवा भी सकते हैं, ये वो। तो अपने आप खुद हमको धमकी दिए। अच्छा, तो आप इस बात को लेकर किसी भी प्रशासनात्मक ये जो अधिकारी हैं यहाँ के, वहाँ गए थे आप? जी, हम जो है अपना आवेदन बना के ले गए थाना प्रशासन के यहाँ, तब तक उसके पहले राजेश चौहान जी आवेदन वहाँ पर दे चुके थे, तो वहाँ से पुलिस चल दी थी, हम गए तो वो बोले कि आवेदन जो है आप CO के यहाँ दीजिए, वैसे आपके यहाँ प्रशासन जा रहा है उनको ही आवेदन दे दीजिएगा जी। तो हम यहाँ पे आए तो आवेदन इनको भी दिखाए, तो ये कहे कि ये पहले का आवेदन दिए हैं, या ऐसे ऐसे आप मामला आप पे लगाएं कि हमारी पत्नी के साथ सलूक गलत किए हैं, झोंक झांक दिए हैं, जबकि ये बात आपसे कौन कह रहा था? ये आपके पटदार कह रहे थे कि थाना प्रभारी कह रहे थे? जी, ये थाना प्रभारी कह रहे थे कि थाना प्रभारी कह रहे जो आवेदन मिला है उसके अनुसार। तो हम कहे कि ठीक है सर, अगर उनकी पत्नी यहीं पे है। और जब आप आवेदन दिए तो उसका प्रतिक्रिया उन्होंने क्या दिया? वो यही लिए कहे कि ये CO का मामला है, तो हम कहे कि ठीक है, तब CO का मामला है तो वहाँ माफ़ी होगी, तब तक के लिए काम बाधित कराया जाए, जहाँ तक मेरा एरिया निकला है तो वहाँ तक का काम बाधित किया जाए, बाकी अपना काम वो लगाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो ये कहे कि नहीं ऐसे कैसे होगा, उनका काम होगा, और मैं आपको वचन देता हूँ कि जब भी माफ़ी हो जाएगी तो मैं आपको दरवाज़ा बंद करा दूँगा। तो हम कहे कि नहीं, तो ऐसी बात है तो एक बाउंड पेपर पर लिखवाया जाए कि उनका दरवाज़ा आप बंद कराएंगे माफ़ी होने के बाद, अगर मेरा निकला तो, और मेरा जो ज़मीन है बचेगा उसको भी आप दिलवा देंगे। तो कहे कि नहीं, ये ज़मीन दिलवाने का काम CO का है। तो हम कहे कि CO जब मालिक है तो फिर आप आदेश मत दीजिए कि जो है आप काम लगाइए या आप बंद कीजिए। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप फाइनल निर्णय क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जिस प्रकार विपक्ष का जो है आवेदन लिया गया, मेरा भी आवेदन लेके उस पर विचार किया जाए और न्याय संगत डिसीजन लिया जाए, जब तक ये न्याय नहीं आता है तब तक काम को बाधित किया जाए। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि सर का कहना है कि विपक्ष पार्टी का आवेदन लिया गया, लेकिन थाना प्रभारी ने इनका आवेदन लेने से मना कर दिया और कुछ ब्लेम भी लगा रहे थे। आइए हम उनके आगे जानना चाहते हैं कि आप अब थाना प्रभारी के खिलाफ क्या बोलना चाह रहे हैं। ब्लेम भी लगा रहे थे कि आप हमेशा विवाद में रहते हैं, तो हमने कहा कि सर मेरा अगर जमीन जाए तो अगर हम उसके लिए आपके पास जाएं, अगर कोई आपत्ति हम करें तो हम मांगे सरकारी कर्मी हैं तो हमारी बात कोई नहीं सुन सकता है। सारी जो है फाउंडेशन एक सरकारी कर्मी के लिए ही है, हम टीचर हैं तो हमारा कोई मांगना अधिकार नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और कहें भी तो उल्टा आप हमको ही मांगा करते हैं। तो मांगा कीजिए, अगर गलत हम हैं तो हमारे पे एक्शन लीजिए और वरना हमको उचित न्याय दीजिए। जैसा कि सुन पा रहे हैं कि जो पेशे से एक शिक्षक हैं, जबकि ये दुनिया को ज्ञान देते हैं, दुनिया में ज्ञान फैलाने का इनका काम है, फिर भी प्रशासन के लोग इनके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सर, लास्ट क्वेश्चन, आप प्रशासन से क्या अपना मांग रखना चाहते हैं? मांग यही शांतिपूर्ण से मांग यही है कि
अगर ये माफ़ी की ही बात है, अगर प्रशासन चाह रही है तो अपने माध्यम से माफ़ी कराए या सीओ के माध्यम से, जब तक माफ़ी नहीं होता है तब तक काम को बाधित किया जाए, काम हो जब काम पूरा ही हो जाएगा तो उस फिर डिमांड का और न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसा कि सुन पा रहे हैं इनका कहना है कि कम से कम अभी जो बात जाहिर सी, अगर ज़्यादा मकान अगर उड़ जाता है तो तोड़ने ताड़ने में उनका भी नुकसान होगा और काफ़ी मामला विवादित हो सकता है, और ये प्रशासन का सारा सारा गलती है कि वो इस मामले को पेचीदा बना रहे हैं। तब तक के हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नमस्कार।